Yes, my son Namneet. Today I will discuss about electric charge and electric field. I will explain electric charge and electric field of class 12th, chapter 1st of physics. Physics chapter 1st of class 12th class. Electric charge and electric field. सबसे पहले ये बताता हूँ चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे आपने सुना पॉजिटिव नेगेटिव, वही चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? सपोज करो आपके पास में एक चादर है. इन समर डे, गर्मी के दिन की बात है, आपके पास में चादर है और चादर ओढ़े हुए हो. तो यदि इसमें आप बार बार हाथ रब करते हो तो क्या होता है, उसमें चट चट की आवाज़ आती है. तो इसका मीनिंग यह है कि इसमें कोई चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और जो साउंड होती है वो चार्ज की साउंड होती है. ठीक है, यदि थंडर ऑफ क्लाउड बादल के मतलब जैसे बादल होती है या बिजली की कड़कने की आवाज़ होती है तो उसमें भी चार्ज पार्ट मतलब चार्ज होता है. ठीक, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं चार्ज के. यदि हम एक पेन को या फिर प्लास्टिक को अपने हेड पर रब करें, रब करने के बाद में हम पेपर के छोटे छोटे पीस करके उसके नज़दीक में लाए तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा. तो इस कंडीशन में भी चार्ज अप्लाई होता है. तो हम इस यहाँ पर चार्ज जो उससे बोलते हैं और चार्ज को प्लस और माइनस में रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे कि पूरा नंबर कंप्लीट नंबर होता है, फुल नंबर होता है. तो इस तरह से जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या -1, -2, -3, -4, -1. ठीक है, तो ये होता है. तो ये चार्ज होता है, मतलब चार्ज को थोड़ा सा और डीपली समझाना चाहता हूँ मैं. यस, इसमें गिवन है ऑल, इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ. ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस, हम कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस ले चुके हैं. सीकिंग अ स्पार्क एंड हियरिंग ऑफ क्रैकल्ड या क्रैकल व्हेन वी टेक आउट सिंथेटिक क्लॉथ और स्वेटर. जब हम सिंथेटिक क्लॉथ स्वेटर को मतलब पहने रखते हैं, पहने रहने के बाद में फिर उसको बाहर निकालते हैं, मतलब अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है उसमें एक किसकी आवाज़ आती है, हमें एक आवाज़ सुनाई देती है क्रैकल्स टाइप की. तो मतलब चटर चट की आवाज़ सुनाई देती है. तो पर्टिकुलरली ड्राई डे, तो ऐसा होता है सूखे दिनों में, पर्टिकुलरली ड्राई डे या ड्राई वीटर. दिस इज ऑलमोस्ट इनविजिबल या इनविजिटेबल, तो क्या होता है हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हम महसूस करते हैं. व्हेन लेडीज गारमेंट, लेडीज गारमेंट लाइक साड़ी, जो पॉलिस्टर साड़ी होती है उसकी बात कर रहे हैं. तो लेडीज गारमेंट जो साड़ी होती है उसमें क्या होता है, गर्मियों के दिनों में उससे यदि हम छूते हैं, मतलब जैसे छूते हैं तो क्या चटर चट की आवाज़ आती है, तो उसको बोलते हैं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. उसमें क्या होते हैं, फोर्सेस कर रहे होते हैं, वो चार्जेस होते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, तो जब थंडर स्टॉर्म होता है तब भी जैसे बादल होते हैं या लाइटनिंग होती है, तो वो ये डिस्चार्ज लाइटनिंग का डिस्चार्ज होने पर, जब तो वो अर्थ पर आकर गिरती है. ठीक है, डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज होती है तो क्या होता है, हमारे बाल जो हेयर टू स्टैंड बोलते हैं, बाल का खड़ा होना या बाल खड़े हो जाते हैं. तो ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करती हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब अपनी जगह इस फिक्स रह करके वो डील्स करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्टडी एंड पोटेंशियल अराइज स्टैटिक चार्ज, जो स्टैटिक चार्ज होती हैं. ठीक है, तो देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तुम थिंकिंग करके मुझे बता सकते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के. इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज अब जब करीबन अराउंड 600 BC में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मटेरियल पर चार्ज अप्लाई होता है. तो यहाँ पर अब मटेरियल पर चार्ज किस तरह अप्लाई होता है, सपोज करो एक ग्लास रोड है इस तरह से है, और सिल्क थ्रेड होता है मतलब धागा होता है, एंड ग्लास रोड हम इस पर रब करते हैं, मतलब उसको सिल्क थ्रेड को रब करते हैं. आप बहुत ईजी सा एग्जाम्पल बहुत ही अपने आस पास में कर सकते हो. सपोज करो एक प्लास्टिक पाइप है, क्या है एक प्लास्टिक पाइप है, वैसे ड्रॉ करके बताता हूँ. सपोज ये प्लास्टिक पाइप है, ठीक है, और इस प्लास्टिक पाइप को हमने चारों तरफ से मतलब जैसे एक हम कोई कपड़ा ले लेते हैं किसी भी तरह का, तो सिल्की होना चाहिए हो, तो सिल्की कपड़ा लेते हैं और उसको चारों तरफ से इसको रब करते हैं. क्या करते हैं, इसको रब करते हैं. एक एल्युमिनियम कैन होती है, जो कोको कोला की कैन होती है या फिर बियर की कैन होती है,
उसको इसके नियर में लाते हैं, ठीक है, इस कैन को हम उसके पास में लाएंगे तो क्या होगा, तो ये कैन इससे दूर हटने की कोशिश करेगी, क्योंकि एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, प्लस वन चार्ज, इस पर प्लस चार्ज होता है, और जो प्लास्टिक रोड होती है उस पर भी प्लस चार्ज होता है। तो एल्युमिनियम जो होती है, एल्युमिनियम की टीन होती है, एल्युमिनियम की कैन होती है, वो उस पर क्या करते हैं, जो प्लास्टिक होती है प्लास्टिक को, इस पर भी प्लस चार्ज होता है, जो प्लस चार्ज को क्या करता है, रिपल करता है। अब ये रिपल कैसे करता है ये भी समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स लगता है, एक तो अट्रैक्शन होता है, एक रिपल्सन होता है, तो वो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा मैं आपको। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट चार्ज। देयर आर गिवन पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन है जो रेड कलर में दिखाया, एक येलो कलर में दिखाया गया, वो नेगेटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन से क्या होता है, जो मतलब चार्जेस होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं। सपोज करो एक बॉल है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, वो बॉल हमने क्या करा, एक तरफ रख दी, तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ से हमें रेड कलर की दिखाई देगी। सपोज करो हमने एक बॉल ली लोहे की बॉल ले करके हमने क्या काम करा, उसे गर्म करा, भट्टी के अंदर डाल दिया, भट्टी के अंदर डालने के बाद बाहर निकाला, तो वो चारों तरफ से हमें गोल दिखाई देगी, गोल दिखाने के साथ साथ वो कैसे दिखाई देगी, रेड कलर में दिखाई देगी। तो चार्ज बिल्कुल इसी तरह से होता है, मतलब चारों तरफ से चलता है, जैसे स्फीयर होती है चारों तरफ से दिखाई देती है, तो ये भी चारों तरफ से क्या है, चार्ज को अपनी तरफ से निकालती है। और नेगेटिव क्या होती है, जैसे एक नेगेटिव होती है वो अपने चारों तरफ से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, मतलब वो जो चार्ज को वो अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। पॉजिटिव क्या करता है, अपनी तरफ से निकालता है, और नेगेटिव अपनी तरफ को खींचता है, ठीक है। तो मैं आपको स्फीयर बोल रहा हूँ, मतलब स्फीयर जैसे कोई बॉल होती है, या कि कोई आयरन की बॉल है, वो चारों तरफ से हमें दिखाई देती है स्फीयर में, ना कि सर्कुलर, जैसे दिखाया गया ना सर्कुलर, ये सर्कुलर की तरह नहीं होती, वो स्फीयर में होती है, ये स्फीयर में होती है। तो कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्ट होता है अवे फ्रॉम पॉजिटिव, जो होता है पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सोर्स होता है, तो पॉजिटिव से निकलता है एंड टू बार टू नेगेटिव सोर्स, तो नेगेटिव सोर्स की तरफ क्या होता है, जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव की तरफ आता है, और वो स्फीयर में होता है, मतलब जैसे कोई बॉल होती है। अगेन इसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन करवा मैं, यह कहना चाह रहा हूँ फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन दिखाता है, जैसे दिखाना चाह रहा ना, ये पॉजिटिव जो इधर की तरफ जा रहा है, ये आउटसाइड निकल रहे हैं, तो ये फील्ड लाइन होती है। तो कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मतलब चारों तरफ से एक जैसी सिचुएशन में हो, वो आइसोलेटेड होता है, मतलब एक समान हो, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, तो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसमें दिखाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अंदर भी वो फील्ड लाइन होती है उसकी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स की भी या चार्जेस की भी फील्ड लाइन होती है, ये ध्यान रखना, चार्ज की फील्ड लाइन होती है। कैसे होती है बताता हूँ, यदि एक गर्म बॉल, जैसे मैंने बताया कि भट्टी के अंदर से बॉल निकली, बॉल निकलने के बाद उसको पास में अपना हाथ लेकर आते हैं, तो अंगारी होती है, अंगारी के पास में जब अपना हाथ लेकर आते हैं क्या होता है, हमें गर्म महसूस होता है। तो इसी तरह से एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी हमें ये भी महसूस होता है कि पॉजिटिव जो होगा रिपल करेगा, और नेगेटिव होगा मतलब वो किस तरह से अट्रैक्शन करेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी तरह से मैग्नेट होता है, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करता है, वो आयरन को अपनी तरफ खींच लेता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में रखी हो, उसकी रेंज भी होनी चाहिए, रेंज होता है मतलब उसके फील्ड में होनी चाहिए, ठीक है। तो वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इसमें मैं, और वो समझने की कोशिश करना है इसी तरह से। तो यहाँ कहना चाह रहा है, जो टू चार्जेस होते हैं, सपोज करो टू पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज ये हो गया और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये, तो जब इन्हें नज़दीक मिलाएंगे तो क्या होगा इनके बीच में, इनके बीच में होगा रिपल्सन, क्या होगा इन दोनों के बीच में, रिपल्सन, या ये दोनों आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये आपस में दोनों अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आपस में दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रिपल्सन होता है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या दिखाया गया, अट्रैक्शन दिखाया गया है, अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन कैसे होता है, ये अट्रैक्शन इस तरह से होता है, देखो इसमें फील्ड लाइन दिखाई गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब जहाँ तक उसकी फील्ड लाइंस होती है, पॉजिटिव तरफ से कहाँ जा रही है, नेगेटिव की तरफ आ रही है, पॉजिटिव से चल करके नेगेटिव की तरफ जाती है। तो ये डायग्राम जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे मानो कि आप अपने माइंड में याद रख लो इसे, ठीक है, ये याद भी रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डायग्राम आपको कई बार बनाने पड़ेंगे इस चैप्टर में, करीबन तीन चैप्टर में ये डायग्राम आपको लगातार बनाने पड़ेंगे जो चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, जो मतलब उसमें दिखाती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को अट्रैक्ट करती है, रिपल करती है, ठीक है। देखो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था
कि जो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है, और जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव को भी रिपल करने की कोशिश करता है। लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो क्या होता है, वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं। तो ये सेंटेंस गिवन है एनसीईआरटी बुक में, जैसे कि आपकी बुक में पहले से बहुत अच्छी तरह दिखाया हुआ। तो रोड पिच बॉल लाइक चार्ज रिपल, जो लाइक चार्ज होता है क्या होते हैं, सपोज करो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करें रिपल, नेगेटिव नेगेटिव ये भी रिपल करने की कोशिश करते हैं या वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो क्या आंसर है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यस आई विल डिस्कस अबाउट, जो चार्ज होता है सपोज करो पॉजिटिव चार्ज तो क्या करते हैं आपस में रिपल करते हैं, क्या करते हैं रिपल, और जो नेगेटिव नेगेटिव होता है ये भी रिपल करते हैं। और सपोज करो अनलाइक चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये बात मैंने बता दी। अब इंडक्शन बाई चार्ज मतलब इंडक्शन से वर्क कराना, सपोज करो एक ये कोई वर्क करा रहे हैं हम, सपोज करो ये एक बॉल है और इसमें क्या है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में घूम रहे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा, कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा। तो मैं इसका डायग्राम अलग से बना के दिखाऊंगा अभी। यस देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम देख रहे हो इस तरह का। तो इसमें यहाँ पर अंदर की तरफ क्या ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है और रेड कलर में दिखाई दे रहा है। ये ब्लू कलर सपोज करो ये ब्लू कलर है नेगेटिव और रेड कलर है पॉजिटिव। तो जब इंडक्शन होता है तो इंडक्शन में कैसा वर्क होता है, तो पॉजिटिव एक तरफ आ जाते हैं, जैसे दिखाया है पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव ये एक तरफ, क्योंकि पॉजिटिव को हमने रेड माना और नेगेटिव को हमने ब्लैक माना है। तो क्या होता है नेगेटिव चार्ज इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। अब हमने यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज का सिंबल्स और बना दिया कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आपस में अट्रैक्ट, और इधर का नेगेटिव चार्ज क्या हो गया अर्थिंग हो जाएगा, जो आपको एक मैन डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ मैं। तो देखो दोबारा से यहाँ यह डायग्राम न्यूट्रल, कैसे डायग्राम है न्यूट्रल, इस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव रेड कलर की बॉल दिखाई गई है और इस बॉल के पास बनाते हैं तो क्या होता है, इधर ये जो दिखाया इधर चार्ज क्या आ जाता है पॉजिटिव, सॉरी इधर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव। दोबारा दिखा रहे हैं डायग्राम को, जब ये रेड कलर की बॉल जो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव वाले को अपनी तरफ ले आती है, अब पॉजिटिव वाला क्या होता है इस पर चारों तरफ घूमने लगते हैं, मतलब ये इंडक्ट हो गया है, क्या हो गया इसका इंडक्शन हो गया है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये इंडक्शन होने के बाद में अब दोनों को क्या करेंगे ना, फिर ये छोड़ देंगे, अलग अलग रख देंगे इन्हें, तो ये अलग और ये अलग। दोबारा समझो इस डायग्राम को, फर्स्ट डायग्राम देखो ये दोनों क्या न्यूट्रल हैं, इस डायग्राम में न्यूट्रल हैं ये दोनों, कैसे हैं ये न्यूट्रल। अब क्या करा हमने चार्ज कर दिया, इन्हें क्या कर दिया उस टाइम हमने चार्ज कर दिए, तो चार्ज पे यहाँ क्या हो गया ये पॉजिटिव चार्ज की जो बॉल इसने अपने हाथ में ली है, अब ये एक तरफ जो ए वाला पार्ट है वो क्या है नेगेटिव और जो बी वाला पार्ट है वो है पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो गया इंडक्शन हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करते हैं इनके बीच का डिस्टेंस हम दूर कर देते हैं, मतलब जो ए जो है उसको रेड बॉल के करीब ले जाते हैं और बी को और दूर ले जाते हैं, मतलब इस स्फेयर को या इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब क्या होता है ये जो बी पार्ट होता है ये अलग आ जाता है, इस पर पूरे पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर जो ए पार्ट है इस पर पूरे पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। अब देखो इसे यहाँ ये डायग्राम दिखाया गया, ये एक क्या है रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या क्या चार्ज आ गया इस रोड पर पॉजिटिव चार्ज, इसे पाइप भी मान सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड ग्लास रोड, ये ग्लास रोड है जिसमें कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया है और एक इस तरह की स्फेयर दिखाई गई है, ये स्फेयर ठीक है, ये कहना है चार्ज इंडक्स्ड या इंड्यूस्ड इन मेटल स्फेयर, एक मेटल स्फेयर है जिसमें चार्ज इंड्यूस हो गया, जब ये इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो जाएगा। तो ध्यान रहेगा आपको कि यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक साथ में रहेंगे, अब पॉजिटिव चार्ज होगा वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मतलब जो सेम नहीं है, जो एक जैसे चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये दोनों पास में आ गए इस तरह से और यहाँ पर ये डिफरेंट वाला चार्ज अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा आपको, चार्ज जो चार्ज होता है टेम्परेली होता है, चार्जिंग बाई इंडक्शन टेम्परेली, क्या होता है चार्ज टेम्परेली होता है, जैसे ही थोड़ी देर पहले बताया था कि एक रोड होती है, रोड प्लस माइनस चार्ज आए हैं, तो क्या होता है प्लस वाला चार्ज अलग होने की कोशिश करता है और नेगेटिव चार्ज अलग होने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या नेचर है, इलेक्ट्रॉन इन बॉल मूव अवे फ्रॉम बॉल्स,
तो जो होता है, जो चार्ज होता है, जैसे इसमें देखो प्लस माइनस दोनों दिखाए गए, तो ये जब इसमें इंड्यूस हो जाएगा मतलब चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बलून का एग्जाम्पल इसलिए दिखाया गया है, देखो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। मैंने अभी तो एक थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बोला, यदि हम प्लास्टिक की कोई रोड को रब करते हैं किसी सिल्की क्लॉथ से और उसके पास में बलून लाते हैं, तो बलून क्या करता है, वो अट्रैक्ट होता है। तो कहना चाह रहा है दिस साइड वॉल इज पॉजिटिवली चार्ज, इसकी दीवार पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बलून में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है, तो वंस चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव अवे द इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, क्या होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, टू दियर पोजिशन, उसकी पोजिशन में। तो इस तरह से कन्फर्म होगा कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में मतलब इंडक्शन करने की कोशिश करता है। ठीक है, देखो इस डायग्राम को मैं स्लाइड शो करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ जो ये ऊपर ब्लैक का तरफ डाउन हो रहा है, तो इस तरफ क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ इस तरफ देखो, तो ये दिखाया गया है यहाँ पर, इस पर क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरफ क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। लेकिन इस वाले में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इस टर्मिनल पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर ये इंड्यूस नहीं है, और ये क्या है, यहाँ पर इंड्यूस या इंडक्शन का वर्क कर चुका है। कैसे, देखो तो ये क्या है, न्यूट्रल, क्या है इसमें, न्यूट्रल। लेकिन इसमें ये न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर ये रिपल्सन का वर्क कर रहा है। कैसा वर्क कर रहा है, रिपल्सन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपल करता है, क्या करता है, वो दूर दूर कराने की कोशिश करता है, रिपल करता है। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल, यदि मैं एक बोतल के अंदर कर लूँ इसे, सपोज करो एक चांदी की पत्ती ले लेता हूँ या गोल्ड की पत्ती लेता हूँ, उस पत्ती को इस तरह दिखाता हूँ, तो क्या होगा, ये जो कि NCERT बुक में दिखाया गया है, उसे देखते हैं। फिर से मैं आपको स्लाइड शो करके दिखाऊंगा। तो ये इसमें NCERT में गिवन है चार्जिंग, दिखाना चाह रहा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन की हेल्प से जो चार्जिंग होती है वो दिखाना चाह रहा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। डायग्राम को देखो आप, तो यहाँ पर दिख रहा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ तो न्यूट्रल है, जैसे पहले डायग्राम में बता चुका हूँ, न्यूट्रल होने के बाद फिर पता नहीं चार्ज आ जाता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, जैसे कि इस पर चार्ज आया हुआ। आप बुक में देखोगे तो आपको सही से क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, फिर से वही बात है, इसमें जो चार्ज हो जाता है, फिर उनको क्या करते हैं, ए और बी को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, और जब अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, तो अलग अलग बोल पर अलग अलग चार्ज आ जाते हैं। तो यहाँ कह रहा है चार्ज और इंडक्शन, तो यहाँ पर इंडक्शन का वर्क है। ठीक है, इसी इंडक्शन के वर्क की हेल्प से हम कुछ मैजिक भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिखाया गया है, इस बॉक्स के अंदर ये ग्लास विंडो है, और इस ग्लास विंडो के अंदर गोल्ड की लिव है या गोल्ड की पत्ती है, और क्या करते हैं, उस पत्ती के पास में इस तरह की एक रोड लाते हैं, और रोड लाने के बाद में एक तो चार्ज उस पर पॉजिटिव आया होता है, तो उस चार्ज को इसमें पास में लाते हैं। तो यहाँ पर इंडक्शन जैसा वर्क करते हैं, मतलब ये क्या होती है, पत्ती जो होगी इसमें जो दिखाई गई है, तो ये जो लिव है क्या होती है, दूर दूर हट जाती है, क्या होती है, ये दूर दूर हट जाती है। तो इसमें यह दिखाया गया है इस सिस्टमेटिकली सिंपल इलेक्ट्रोड, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें जैसे पत्ती थी, पहले हमने इस तरह से करके फिर इस तरह मोड़ दी, और क्या होता है, इन पर इंडक्शन चार्ज आ जाता है, तो इस तरह से दूर दूर हट जाते हैं ये। ठीक है, आप बुक में देखोगे आपको वहाँ से डायग्राम समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम थोड़ा वैसे दिखाया गया है। तो प्लस चार्ज क्या करता है, रिपल्सन करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा कूलम, लॉ ऑफ कूलम। ठीक है, लॉ ऑफ कूलम के साथ साथ उसमें ये टॉपिक भी चलेगा कि जो चार्ज होते हैं क्यू इक्वल एन ई होता है, उस पर कंप्लीट चार्ज होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और ई पर जो चार्ज होता है तो कितना होता है, जो मतलब मल्टीप्लाई होता है 10^-19, पॉजिटिव नेगेटिव, वो उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा कूलम्ब चार्ज, मतलब कूलम्ब रूल एंड या कूलम्ब लॉ एंड चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज।